हाय गाइस और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन केमिकल एक्सफोलिएशन और फिजिकल एक्सफोलिएशन। अगर आपको केमिकल फिजिकल एक्सफोलिएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ये वीडियो पूरी देखें। मैं इन दोनों के कंसेप्ट आपके साथ क्लियर करूंगी कि मतलब क्या होता है फिजिकल और केमिकल एक्सफोलिएशन का। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप बस पहले मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे रोज नए स्किन केयर हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एक्सफोलिएशन मतलब पता नहीं है तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि एक्सफोलिएशन क्या होता है। तो एक्सफोलिएशन यानी कि स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग से हम जो अपनी डेड स्किन सेल्स होते हैं उसे रिमूव करते हैं। और एक्सफोलिएशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक्सफोलिएशन से हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है स्किन का वो रिमूव हो जाता है, डेड स्किन सेल्स, डर्ट, ये सब रिमूव हो जाती है और हमें थोड़ा सा ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन मिलता है एक्सफोलिएशन से। तो एक्सफोलिएशन के दो टाइप है, फर्स्ट है केमिकल एक्सफोलिएशन एंड सेकेंड है फिजिकल। तो ये मतलब था एक्सफोलिएशन का। अब हम देखते हैं कि फिजिकल एक्सफोलिएशन क्या है। तो अगर फिजिकल एक्सफोलिएशन की बात करें तो फिजिकल एक्सफोलिएशन मतलब जब हम एक स्क्रब लेकर खुद अपने हाथों से स्क्रबिंग करते हैं तो उसे कहते हैं फिजिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें हमारे हाथों का यूज होता है, अपने हाथों से हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं उससे कहते हैं फिजिकल एक्सफोलिएशन। तो गाइस अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप हो तो फिजिकल एक्सफोलिएशन आपके लिए बेस्ट है क्योंकि हम अपना प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए ज़्यादातर रेडनेस, इचनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए सेंसिटिव स्किन टाइप लोगों के लिए मोस्टली फिजिकल एक्सफोलिएशन सही है। लेकिन अगर आपके अदर स्किन टाइप है तो आप केमिकल एक्सफोलिएशन सर्च कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए फिजिकल एक्सफोलिएशन बेस्ट है। तो ये थी कंसेप्ट फिजिकल एक्सफोलिएशन की। फिजिकल एक्सफोलिएशन इक्वल्स टू अपने हाथों से खुद से स्क्रबिंग करना। तो अब आते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन पर। तो गाइस केमिकल एक्सफोलिएशन मतलब जो काम हम अपने हाथों से करते हैं वही काम केमिकल करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ केमिकल अपने फेस पर अप्लाई करना है और 5 से 10 मिनट के बाद आपको फेस वॉश करना है, और जो एक्सफोलिएशन का काम होता है वो केमिकल करता है। तो ये होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। तो गाइस केमिकल एक्सफोलिएशन में दो टाइप होते हैं, जैसे कि AHA और BHA। तो AHA जो एसिड होता है वो स्पेशली ड्राई स्किन टाइप या फिर आपकी स्किन कंसर्न के अनुसार होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको BHA यूज़ करना है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड वगैरह। सैलिसिलिक एसिड हमारे एक्ने पिंपल पर बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको दोनों यूज़ करने हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में, तो आप ये डॉट एन की का हाइड्रोपील ग्लो पोशन वाला जो एक्सफोलिएटिंग सीरम है ये ट्राई कर सकते हैं। इसमें है 10% AHA और 2% BHA। तो ये नेचुरल फ्रूट एसिड से बनाया गया है और मैंने इस पर ऑलरेडी फुल रिव्यू वीडियो बनाई है। अगर आपको केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अगर आपको फर्स्ट टाइम ट्राई करना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये उतना ज़्यादा हार्श नहीं है, स्किन पर बहुत ही जेंटल है गाइस। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप कुछ केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए सर्च कर रहे हो। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट एक्सफोलिएशन। आई होप कि आपको फिजिकल और केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में थोड़ी सी आइडिया तो आ गई है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। सिटिंग देन, बाय।